नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 25 मई 2023 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां आई, आज के आलू के क्या कुछ रेट है, चलिए जानते हैं भाई साहब के पास। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट हैं। आलू चाहे नया हो, पुराना हो, लाल हो, कोई सा भी हो, ये 50 किलो आता है पीछे से। यदि कोई किसी का ज़्यादा माल आएगा तो उसे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे उस हिसाब से। चलिए जान लेंगे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है। सर जी नमस्कार जी। हाँ जी सर जी, कितनी गाड़ियाँ हैं जी आज की, क्या पोजीशन जी गाड़ियाँ, कल से कम है ज़्यादा है, क्या उठा पटक जी मार्केट में? राणा जी 93 गाड़ी की अराइवल है। अच्छा जी। 37 बैलेंस कल वाली जी? कल वाली। अच्छा जी। और कल 94 थी तो उसमें 28 बैलेंस थी। अच्छा जी। सबसे ज़्यादा बैलेंस बचा था सोमवार को। हाँ जी। 115-20 गाड़ी की अराइवल थी, 62 गाड़ी बैलेंस बची। अच्छा। शाम को जब रिपोर्ट आई हम भी चौंक गए थे कि 62 गाड़ी बची है। बहुत ज़्यादा है। हाँ, 55-60 गाड़ी 65 गाड़ी की खपत है। हाँ जी। आपको पहले भी बताया और इतनी बिकती है आज। अच्छा भी जैसे 94 है। हाँ जी। तो मेरा ख्याल है 20-25 तो बचेंगे। अच्छा जी। हाँ, तो आज की जो बात करें जी बाजारों की, कल के मुकाबला क्या पोजीशन है जी कल से? देखो आज एक महीना हो गया स्टोर का आलू शुरू हुए। हाँ जी। 25 तारीख हो गई है, अप्रैल के एंड में स्टार्ट हो गया। हाँ जी। तो सेम पोजीशन चल रही है और कोई डाउनफॉल नहीं है, कोई तेजी नहीं। अच्छा जी। और ये भी बहुत बड़ा ऊपर वाले का शुक्र है कि एक महीना ठीक ठाक निकल गया, बाजार टूटे नहीं है, बिक्री जरूर स्लो हुई है। हाँ जी। तो ये मेन जो रिजल्ट है ना वो जून के बाद समझ आएगा। अच्छा जी। 10-20 रुपए 50 रुपए बढ़ते हैं या टूटते हैं। अच्छा जी। टूटने के हालात अभी लग नहीं रहे, बिक्री खुलेगी तो बढ़ने के आसार है। अच्छा जी, चलो तो, बहुत बढ़िया जी। बहुत हाँ, हमारा तो यही है सोचना और किसान भाई भी मेहनत करी हुई, हम तो कह रहे 100 रुपया बढ़ जाए जी बरसात। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये कौन सा जी है? ये 37 स्थान में है। हाँ जी। कहाँ वाले हैं जी? ये अलीगढ़ ग्लास है जी सारा। अच्छा जी। इसकी क्या पोजीशन? ऐसे आलूओं की पोजीशन है 500 से लेकर 520-530 रुपए। अच्छा जी। क्योंकि साइज थोड़ा मीडियम है। अच्छा जी। और जो हाई क्लास आलू है। हाँ जी। वो 570-580 रुपए है। अच्छा जी। 600 का भी जमाना खत्म हो गया अभी फिलहाल। हाँ जी। कोई बहुत कोई इक्का दुक्का गाड़ी बहुत बढ़िया आ जाए तो हो सकता 600 बिक जाए। अच्छा जी। तो हाईएस्ट 570-580 रुपए है, नीचे में 520-530 रुपए। अच्छा जी। ये कौन सी वैरायटी है जी? ये हाईब्रिड है। अच्छा जी। इसी का वो असल पलटा है। हाँ जी। ऐसे आलूओं की पोजीशन है 430-440 से लेकर 450-460 रुपए। अच्छा जी। और ये लंबी रेंज में कौन सा है? ये मेरे पास इंदौर से आई है जी गाड़ी, लाल की, लाल और चिप्सोना। ये चिप्सोना कौन सा जी उनका? ये इंदौर का है, वेफर पास है जी। ये वेफर पास है? हाँ जी हाँ जी। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे अदरक की गांठ हो जी। हाँ ऐसे ही होता है इंदौर वाले का जो ना। हाँ जी। इसमें पानी की बहुत मात्रा कम होती है, सूखा सूखा आलू होता है। अच्छा जी। इसीलिए इसका वेफर बनता है, शुगर ना के बराबर होती है। ये चिप्सोना है जी? ये चिप्सोना है, वेफर पास है। अच्छा जी। और वो भी वेफर पास है, वो LR है। अच्छा जी। ये दोनों लाट इंदौर की गाड़ी। इंदौर कब से आ रहा है जी मार्केट में? बस स्टार्ट ही हुआ है समझो, हमारे पास ही आई है गाड़ी। अच्छा जी। तो गुजरात भी एंटर होने वाला है, गुजरात को जरा पड़ता नहीं है। अच्छा। गुजरात का आलू 1200-1250 रुपए अगर पैकेट बिकेगा यहाँ पे। हाँ जी। तो गुजरात भी शुरू हो जाएगा। अच्छा जी। अच्छा। तो इसकी पोजीशन हमने रखी हुई है LR की। हाँ जी। 20-21 रुपए, 20-21 रुपए किलो, किलो जी। और अच्छा ये भी 20-21 रुपए किलो रखा हुआ है। ये चिप्सोना है जी? चिप्सोना। और जो अपने वाले लोकल चिप्सोने हैं जी यहाँ के? लोकल चिप्सोने जो अलीगढ़ ग्लास के है 550-600 रुपए की पोजीशन है। और जो चंदोसी वाले? चंदोसी वाले 650-750 रुपए। अच्छा जी जी। फिर ये उनसे ऊपर गया जी? ये वेफर पास है ना जी राणा जी। अच्छा जी। वो टिक्की टुक्की में चलता है, ये वेफर बनेगा इसका। अच्छा जी। वो घर में खाने के लिए, टिक्की के लिए, तलने के लिए, जो टिक्की के साथ वो आलू के बनते हैं छोटे छोटे, वो सारा एक छत्ती किस्म के आट में बनावा जी। हाँ जी हाँ जी। वो चिप्सोना की बनती है। अच्छा जी। और जो इसी में ही बात करें जी, जो चिप्सोने जो दूसरे वाले हल्के वाले आ रहे जी मार्केट में जी? हल्के वाले 550 रुपए। अच्छा जी। अलीगढ़ ग्लास के 550-600-550। अच्छा जी। वो गीले आते हैं, सूखे चिप्सोने जो वहाँ के चंदोसी बिसोली साइड के। हाँ जी। वो 650-750 रुपए। और जो इसी में गुजरात के आ जाएंगे जी? गुजरात के? गुजरात से चिप्सोना नहीं आता राणा जी, LR आता है, या एक संटाना आलू आता है जिसका फिंगर बनता है। अच्छा जी। आपने देखा होगा मैकडोनल्ड के अंदर लंबे लंबे आलू के फिंगर मिलते हैं। हाँ जी। वो संटाना आलू के बनते हैं। अच्छा जी। वो गुजरात में ही होता है आलू। अच्छा जी। या तो वो आएगा या उनका LR आएगा। गुजरात के LR की पोजीशन क्या है जी?
देखो गुजरात में तेजी है, 18-19 रुपए किलो वही रेट है, 3.5-3.5 किलो का भाड़ा है। अच्छा जी, तो 23-24 रुपए किलो मतलब 1200 रुपए पैकेट बिकेगा तो आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा। और जो बात करें एलआर की, जो अपना पंजाब वाले यूपी वाले जी, पंजाब देखो यूपी का 10-20-50 रुपए डाउन है, जो 700 रुपए बिक रहा था उसकी बीच में 650 रह गई है। अच्छा जी, और ऐसे ही पंजाब वाला 600 से 650 रुपए है, ऊपर पोजीशन जो 700 वाली थी फिलहाल नहीं है, सेल कम है इसकी भी, तो देखो क्या होता है। अच्छा जी, बाकी ये गुल्ले है, हाँ जी, 3397 के हाइब्रिड के। अच्छा जी, इनकी पोजीशन है 370-380 से लेकर 410-420 रुपए। अच्छा जी, और बहुत बढ़िया हो तो 430-440 रुपए। अच्छा जी, अच्छा। ये बम्पर है हाइब्रिड का, हाँ जी, इसकी पोजीशन है 500 रुपए के आसपास, 500 बिक जाए, 510-520 बिक जाए। अच्छा, इसी में अगर 3397 इस आलू का बम्पर हो, हाँ जी, तो 600-650 रुपए की पोजीशन। अच्छा जी, अच्छा। और जो पंजाब के जो बात करें जी, अपना ये डायमंड वगैरह, यूपी के डायमंड, यूपी का डायमंड तो तेज है, हाँ जी, वो तो 650-700 रुपए बिक रहा है। अच्छा, पंजाब वाला 550 रुपए बिक रहा है, इससे ऊपर नहीं। अच्छा, और जो बात करें सूर्या की जी, आज की सूर्या अलीगढ़ इगलास 650-700 रुपए, हाँ जी, और चंदौसी बिसोली वजीरगंज के जो है वो 850 से 950 रुपए। अच्छा जी, जी। और जो इसी में बात करें पंजाब की, कोई गाड़ी आ रही है अभी मार्केट में नए की, हाड़ू की? पंजाब की हाड़ू की इक्का दुक्का गाड़ी है, उसकी पोजीशन वही है 450-550 रुपए, बढ़िया की। अच्छा जी, और हल्का तो आना ही बंद हो गया, मतलब डी एंड है उसका हाड़ू का, हाँ जी, है नहीं ज्यादा मार्केट में। अच्छा जी, अच्छा जी। तो कुल मिला के बाजार वही वाले आई है जी? वही है जी, जो कल है, हाँ जी, वही आ जाए, एक महीना पहले भी वही थे, कोई उतार चढ़ाव नहीं है। अच्छा, कभी 10-20 रुपए अराइवल बढ़ जाती है, सोमवार 115-120 गाड़ी थी, हाँ जी, तो 10-5 रुपए डाउन था, कम हो जाती है, हम लोग 10-20 रुपए ऊपर बताना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, बैलेंस उतनी बचनी है, चाहे 10-20 रुपए मंदा बिके तब भी 25-30 गाड़ी बैलेंस बचनी है मंडी के अंदर, चाहे 10-20 रुपए चढ़ा के बेचे। अच्छा, तब भी 25-30 गाड़ी बचनी है। अच्छा जी, और कह रहे कि हल्द्वानी भी एंट्री मारने वाला जी अब तो? हाँ, हल्द्वानी की एक दो गाड़ी आती है मंडी में। अच्छा जी, आएगा तो वो अपने रेटों में बिकता है। अच्छा जी, चलिए धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी, धन्यवाद। हमारी फर्म है राम लोहाया राकेश कुमार, हाँ जी, 1013 सब्जी मंडी आजादपुर, और हमारे मोबाइल नंबर है दोनों। ये आपका मोबाइल नंबर? हाँ, आगे वाला मेरा, दूसरा छोटे भाई का, किसी भी कॉन्टेक्ट कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया राणा जी आपका भी।